नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इन्फ्रार्ट्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपके लिए फिर से एक नई प्रॉपर्टी लेकर हाजिर हैं। साथियों, आज हम जिस लोकेशन पर खड़े हैं ये अर्जुन इनक्लेव फेज टू कहलाता है और ये नगर निगम में आता है। यहाँ पर सीवर लाइन पड़ी हुई है, रोड पूरी बनी हुई है, नाली बनी हुई है और यहाँ पर लगभग 100 से 200 परिवार यहाँ पे निवास कर रहा है। साथियों, अर्जुन इनक्लेव की बात कर रहे हैं, ये दो भागों में बटा हुआ है, फेज वन और फेज टू। फेज वन पूरा जो है वो डिलीवर है, फेज टू में भी लगभग डिलीवर्ड है। इसमें बहुत सारे प्लाट हैं कि जो अभी यहाँ पर उपलब्ध हैं, जहाँ पर आपको 600 स्क्वायर फीट से लेकर आपको 2000 स्क्वायर फीट तक आपको यहाँ पे प्लाट मिल जाएगा और तुरंत लेके आप यहाँ पे बना के रह सकते हैं। आप हमारे ठीक पीछे देख रहे होंगे, ये रोड है, पीछे इसमें जगह जगह आपको सीवर लाइन के आपको टैंक के आपको ढक्कन दिख जाएंगे, जिससे आपको ये अनुमान लगा सकते हैं कि सीवर लाइन यहाँ पे पड़ी हुई, जो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। साथियों, लोकेशन की ये फिर से मैं अगर बात करूँ तो ये कुर्सी रोड से मात्र 200 मीटर हम अंदर हैं और अर्जुन इनक्लेव फेज टू में हैं। साथियों, ये कॉलोनी जो है पूरी गेटेड है, इसमें गार्ड है, सारी चीज़ें बैठते हैं। तो एक बार आके अगर आप ये टाउनशिप विजिट करेंगे तो आप खुद ही देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। साथियों, अगर बात करें कुर्सी रोड की तो कुर्सी रोड जो है आपका अलीगंज, विकास नगर, जानकीपुरम को जोड़ता है। साथियों, जिस लोकेशन पे अभी हम हैं, इस लोकेशन से अगर हम टेढ़ी पुलिया की दूरी देखें तो 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है और चारबाग अगर रेलवे स्टेशन की दूरी देखें तो 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर आता है, जो कि अगर आप गूगल मैप से भी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। साथियों, जस्ट हमारे सामने जो है सेंट मैरी पॉलीक्लिनिक का नर्सिंग होम का ये बना हुआ है इंस्टीट्यूट, जो कि पीछे आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके ठीक अपोजिट साइड में अगर हम बात करें तो हमारा सृष्टि अपार्टमेंट आता है, सरगम अपार्टमेंट बना हुआ है, वहाँ से मात्र ये जो है 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में आता है। साथियों, आप चारों तरफ आप देख रहे होंगे इंटरलॉकिंग रोड बनी है, नाली भी बनी है, सारी चीज़ें हैं। एक बार सबसे पहले मैं आपको सोसाइटी दिखा देता हूं, फिर हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से प्लाट यहां पे खाली हैं। साथियों, सेंट मैरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट है पैरामेडिकल का। अभी हम रोड पे हैं और ये सीवर लाइन का चेंबर जो है नीचे बना हुआ है, सेफ्टी टैंक जो आप देख सकते हैं, आपकी जो नाली का जो पानी है वो उसका कनेक्शन आप इसमें करवा लेंगे, वाटर की सप्लाई है, ये सारी चीज़ें आपको इस नगर निगम की सोसाइटी में मिलती हैं। तो साथियों, इसमें आपको मैंने प्लॉट साइज बता दिया, फेसिंग बता दिया, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ फेसिंग में आपको प्लॉट मिल जाएंगे। साथियों, यहाँ से आप देखेंगे ये मकान बना हुआ है, कुछ प्लाट्स इसके बगल में खाली है। फिलहाल आज हम आपको प्लाट दिखा रहे हैं तो आप ये मकान भी देख सकते हैं। ये मकान जो है 650 स्क्वायर फीट में है और डुप्लेक्स बना हुआ है, एक बेडरूम नीचे है, एक बेडरूम से ऊपर है और 650 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इधर भी है और इसके बगल में प्लाट भी खाली पड़ा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कुछ प्लाट ये हैं जो खाली पड़े हैं। ऐसे बीच बीच में आपको प्लाट खाली आपको देखने को मिलते रहेंगे और इसमें फैमिली रह रही है, दो फैमिली इधर है और 1, 2, 3, 4, 5 परिवार इधर निवास कर रहा है। इसमें अभी लगभग 2 से 3 मकान इसमें खाली हैं कि अगर कोई इस लोकेशन पे मकान भी लेना चाहे तो उसे मकान भी मिल जाएगा। साथियों, सामने आप देख रहे हैं पूरी रोड जो है इंटरलॉकिंग है। इसमें हम प्लाट्स आपको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन पर खाली है। साथियों, अगर आप इस सोसाइटी में रेजिडेंशियल प्लॉट पे अगर आप कमर्शियल भी कुछ वर्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बहुत ऐसे बिजनेस है जो आप यहां कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास एक ऐसा प्लॉट है जहां पे आप दुकान से लेके कुछ भी आप खोल सकते हैं। इसको एक रोड ये है आपकी, सामने से ये रोड आती है और इधर चली जाती है। इस सोसाइटी में लगभग अभी पीछे की तरफ अगर हम बात करें, लगभग इसमें जो है 18 से 20 परिवार इस इधर रह रहा है, बाकी अगर आप पूरा देखेंगे तो लगभग काफ़ी लोग हैं जो कि बने हुए हैं, है मकान, लोग इसमें रह रहे हैं। एक नया मकान ये बना है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में ये प्लाट है, आप देखिए बिल्कुल इस रोड के सामने है ये प्लाट जो है इस रोड के सामने है। तो जैसे अगर आप शॉप वगैरह भी अगर आप ओपन कर लेते हैं तो वो भी आपकी चलेगी, और अगर आप इसमें कोई बिजनेस करना चाहते हैं, चाहें तो आप इसमें
पानी की सप्लाई जैसा आप कोई एक छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, जहाँ से आप लाखों रुपए आप महीने के आप पैदा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वाटर टैंक वगैरह आप लगा लेते हैं, आरओ वगैरह का प्लांट आप डाल सकते हैं, तो आप शहर में आप सप्लाई भी भेज सकते हैं, क्योंकि आप नगर निगम में हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, झाड़ू लगाने वाले आते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही है साथियों। तो एक बार अगर हम इनके कीमत की बात करें साथियों, तो इस सोसाइटी में आपको जो इसकी जो प्राइस है 2200 रुपये पर स्क्वायर फीट की दर से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 600, 800, 1000, 1200 स्क्वायर फीट के आपको प्लाट मिल जाएंगे, 2000 तक का मिल जाएगा। इनकी अगर हम गहराई की बात करें तो साथियों, इस पूरी सोसाइटी में जो गहराई जो है वो 50 की रखी गई है, और प्लाट साइज अलग अलग हैं। आपको 20x30 के भी मिल जाएंगे, 30x20 भी आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और फिलहाल ये प्लाट जो मैंने आपको दिखाया, ये 20x50 है, तो 1000 स्क्वायर फीट के काफ़ी सारे प्लाट हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे लेके आप बनवा के आप तुरंत आप यहाँ रह सकते हैं, आसपास लोग रह रहे हैं। साथियों, स्कूल और कॉलेज की बात करें तो आप सेंट मैरी स्कूल है आपका, CMS है आपका, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, जयपुरिया कॉलेज है, ये सब आपके आसपास हैं, जो कि 4-5 किलोमीटर के अंतर्गत आते हैं साथियों। तो डिस्टेंस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मेन रोड से आपका सिर्फ मात्र 600 मीटर की दूरी पर है। ये आके आप स्वयं अपनी गाड़ी से भी नाप सकते हैं। और अगर हम पॉलीटेक्निक की बात करें तो पॉलीटेक्निक यहाँ से मैक्सिमम जो है उसकी दूरी 10 किलोमीटर है, चारबाग यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक अच्छी लोकेशन है, आके आप साइट विजिट करें। अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लाट लेके आप तुरंत आप यहाँ मकान बनवा सकते हैं। साथियों, अगर आपके पास कोई प्लाट है, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क देना चाहते हैं तो भी आप मुझे दे सकते हैं, मैं आपको लग्जरी विला बना के दूंगा। उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और जो भी आपके प्लाट्स हैं हम उस पर मकान अवश्य बना के आपको देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई लोकेशन के साथ। आपका दोस्त सूरज, इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।